जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूँ यासिर अरफात और आज हम बात करेंगे न्यू मीडिया में एक नए टॉपिक पर। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है साइबर स्पेस एंड इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि साइबर स्पेस होता क्या है और इंटरनेट एंड साइबर स्पेस में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलरिटीज हैं। इसके साथ साथ सर्वर क्या होता है और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर स्पेस की। व्हाट इज साइबर स्पेस? तो बेसिकली साइबर स्पेस इज नथिंग मोर देन ए सिंबॉलिक एंड फिगरेटिव स्पेस दैट एग्जिस्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ इंटरनेट। बेसिकली अगर हम बात करें साइबर स्पेस की तो ये कुछ नहीं है, एक सिंबल से फिगर है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है जो इंटरनेट की वजह से एग्जिस्ट करती है आज के टाइम में। एनीथिंग दैट कैन बी डन बाय द यूज ऑफ इंटरनेट ऑकर्स विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द साइबर स्पेस। वट एवर दैट इज सेंडिंग an email, a website or playing a game, all of these things exist within the cyberspace. Basically cyberspace को समझने के लिए आपको उससे पहले internet को समझना होगा कि internet क्या है। और internet को अगर आप समझें बहुत common language में अगर उसको समझें तो a network of networks, that's mean it is a global network that is creating by linking a small networks of computers and servers. Basically internet kya hai? Computers aur server ke jo chote chote networks hote hain unka link karke ek global network create karna. Jo chote chote networks hote hain computer aur server ke usko jab link karke ek bada network taiyar kiya jata hai, ek global level pe jab network taiyar kiya jata hai to use hi internet kehte hain. ये नेटवर्क्स अलाउ करते हैं यूजर को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इसके साथ साथ डाटा को शेयर करने के लिए, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। द डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज और वीडियोज। ये डाटा आपके किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट आपको समझ में आ गया। बेसिकली इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। और अब अगर हम साइबर स्पेस को देखें तो साइबर स्पेस रेफर टू द वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड। बेसिकली साइबर स्पेस क्या है? एक वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड है, ठीक है, जहां पे इंटरनेट की हेल्प से सारी चीजें वर्क करती हैं। मैंने भी आपको बताया कि बेसिकली इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जो बेसिकली स्मॉल नेटवर्क्स और कंप्यूटर और सर्वर्स को लिंक करके क्रिएट किया जाता है। और साइबर स्पेस जो है वो सिंबल्स और फिगर है जो इंटरनेट की हेल्प से होता है। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो आप मान लीजिए कि इंटरनेट एक बुक है। अब बुक को बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि बुक के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। बुक बेसिकली एक मीडियम है राइटर और रीडर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू ऑफ बुक होता है। राइटर अपनी बात क्या करता है? एक बुक के थ्रू रीडर से करता है। अब देखिए इंटरनेट सेम चीज है कि एक कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, दूसरा रिसीव करना चाह रहा है। अब जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर या दूसरा कंप्यूटर या वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो थ्रू ऑफ किसके हो रहा है? इंटरनेट का। तो बुक और इंटरनेट बेसिकली सेम रोल प्ले करते हैं। अब इसी एग्जांपल से अगर आप साइबर स्पेस को समझेंगे तो आप ये समझिए कि जैसे एक बुक है वो क्या कर रहा है? एक जो फर्स्ट पार्टी है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, उसके बीच एक मीडिएटर, एक मीडियम का काम कर रहा है बुक। वैसे ही अब आप ये सोचिए कि जब रीडर उसको क्या करता है, उस स्टोरी को पढ़ता है तो अपने माइंड में एक वर्चुअल रियलिटी बना लेता है। वर्चुअल रियलिटी कैसी?
वो कहानियाँ और वो उसकी इमेजिनेशन उसके माइंड में चलती रहती है, उसके करेक्टर्स, उसके डायलॉग, उसके माइंड में ये सारी चीज़ें प्ले होती रहती हैं। बेसिकली ये क्या है, जो उसके माइंड में जो करेक्टर्स हैं, जो उसके माइंड में सेट हो गए हैं, और जो डायलॉग्स हैं वो जो उसके माइंड में सेट हो गया, बेसिकली क्या वर्चुअल है जो बुक के थ्रू उसके पास आई है। तो उसके माइंड में जो ये जितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बेसिकली वो क्या वर्चुअल है। तो ठीक वैसे ही जो साइबर स्पेस है, इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे आप मेल करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उसमें गेम खेलते हैं, ये जितनी भी चीज़ें जो हो रही हैं, ये बेसिकली क्या है, ये साइबर स्पेस है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर स्पेस के, अब इसको थोड़ा सा और इसके एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा कि कुछ और भी टर्म्स हैं जो साइबर स्पेस की वजह से आए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें साइबर सिक्योरिटी, अब आप देखिए किस तरह की सिक्योरिटी की बात करें, हम साइबर सिक्योरिटी, अब कोई घर नहीं है जिसमें लॉक लगा हुआ हो उसकी सिक्योरिटी की नहीं ली, इसका मतलब है कि साइबर, जो साइबर ऑनलाइन जो इंटरनेट की सहायता से जितनी भी चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हमारी जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, उस पर हमने एक सिक्योरिटी लगा दी है, वह क्या साइबर सिक्योरिटी। तभी आपका मेल जो है वो एक्सेस नहीं होता है, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक पासवर्ड है, आपने उसको सिक्योरिटी लगाया हुआ है, आपके मोबाइल में एक पासवर्ड है। ठीक है, आपके फेसबुक अकाउंट है उसमें पासवर्ड है। दूसरी चीज बात करते हैं तो साइबर क्राइम है। अब साइबर क्राइम किस तरह की क्राइम की बात कर रहे हैं, वो क्राइम जो साइबर दुनिया में की गई हो, मतलब वो वर्चुअल दुनिया में जो क्राइम किया हो गया हो, तो वो साइबर क्राइम का पार्ट है। वे कैसे होता है, आपके सिस्टम को हैक कर लेना, कई बार आप कहते हैं जीमेल हैक हो गया, कई बार खबरें आती हैं कि पूरा का पूरी वेबसाइट हैक हो गई है। ठीक है, साइबर वॉर, आज के टाइम में लड़ने के लिए गोली बंदूक नहीं चाहिए, ऑनलाइन लड़ा जा रहा है, आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग ही, ऑनलाइन लड़ रहे हैं रिलीजियंस के नाम पे, जाति के नाम पे, और भी कई सारे तरीके हैं, लोग ऑनलाइन लड़ाई कर रहे हैं आजकल। ठीक है, अभी कोरोना का आपका एग्जाम्पल है, कोरोना देखिए कि किस तरीके से एक जगह से स्टार्ट हुआ चाइना से, उसके बाद वर्ल्ड में किस तरीके से फैल गया। ठीक है, सेम चीज है साइबर क्राइम के अंदर। अब साइबर वॉर हुआ है, आपको लड़ने के लिए गोली बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों की जिससे भी आप लड़ना चाहते हैं, जो आपका दुश्मन आप जिसको मानते हैं, वहाँ आप उनकी मेंटलिटी साइबर के जरिए उनकी मेंटलिटी को कवर अप कर लीजिए, वो कंट्रोल में आ गया, आप जीत गए। साइबर टेररिज्म, आज के टाइम में टेररिज्म जो है वो साइबर के थ्रू उसको अंजाम दिया जाता है। तो बेसिकली ये सब टर्म जो है वो साइबर स्पेस से ही आया है, और अब जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ पे अभी बताई, चाहे साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम है, ये सब जहाँ हो रहा है वो बेसिकली क्या है, साइबर स्पेस है। और जो साइबर स्पेस खुद एक वर्ड है, वो खुद साइबरनेटिक्स से आया है। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है कि गवर्नर, पायलट, रूडर्स, बेसिकली वो जो ऑटोमेटिक काम करता हो। ठीक है, ये एक एशियंट ग्रीक वर्ड है, काइबरनेट्स, उसी से ये आया है। बेसिकली जब हम साइबर स्पेस की बात करते हैं, तो बेसिकली कम इन टू बिगन इन रिगार्ड्स टू द मैनेजिंग फिजिकल स्पेस, बेसिकली फिजिकल स्पेस के मैनेजिंग के रिगार्डिंग ये वर्ड आया है। ठीक है, और टर्म हैज बीन अप्लाइड टू द वर्चुअल स्पेस दैट इज क्रिएटेड विथ इन द इंटरनेट, बेसिकली जो टर्म अप्लाइड होता है ये वर्चुअल स्पेस में होता है, जो कहाँ क्रिएट हुआ है, विथ इन द इंटरनेट, जो इंटरनेट के इसमें क्रिएट हुआ है। अब साइबर स्पेस में अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी, इसमें एक वर्ड कॉमन है, बहुत जगह यूज हुआ है, सर्वर, कंप्यूटर और सर्वर, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन सर्वर टू अनदर सर्वर। अब ये सर्वर क्या है,
बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर्वर है क्या, फिर भी यहां पे मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूं डिटेल में कि आखिर सर्वर है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। अब देखिए आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बहुत सारे डिवाइसेस, ठीक है, ये बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वायर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वायर क्या कर रही है इन सब को, और यहाँ पे कुछ मॉनिटर्स हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, आपस में लिंक है या नहीं है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस हैं इसमें, ये सर्वर, एक सर्वर रूम का एक फोटो है। अब आप कहेंगे कि इसका काम क्या होता है, ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, तो ये बिल्कुल नेक्स्ट एक और तस्वीर है, एक और फोटो है मेरे पास जिसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बस इसको ध्यान रखिए तस्वीर माइंड में कि ये एक सर्वर रूम है जहाँ पे ये सारा पूरा सेटअप लगा होता है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी। अभी मैं इंटरनेट की बता रहा था, इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है, कि छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स का एक ग्रुप है। अब आप देखिए कि क्या है यहाँ पे, ये बीच में सर्वर है, ये जो है आपका बॉक्स है, ये सर्वर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे लगे हुए हैं सर्वर, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे सिस्टम कनेक्ट हैं। अब मान के चलिए कि ये एक सर्वर है जिससे आप कनेक्ट हैं। अब ये जो कनेक्शन है ये किस तरीके से काम कर रहा है, अगर ये ऑन है, अगर ये ऑफ हो जाए, आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली क्या करते हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, उस पर गूगल पे जाते हैं और वहां पे आप टाइप करते हैं और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब आप सोचिए कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ होगा। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए कि अगर आप बात करें तो विजुअल्स जो है वो भी स्पेस लेता है, जो वर्ड है टेक्स्ट है वो भी स्पेस लेता है। आप याद कीजिए नोकिया का वो पुराना मोबाइल जिसमें बहुत सिर्फ कॉल हुआ हो पाती थी या फिर मैसेज कर पाते थे आप, अगर उस मोबाइल को अगर आप याद करेंगे तो उसमें कुछ मैसेज भेजने के बाद वो इनबॉक्स फुल हो जाया करता था, या आपके मोबाइल में अगर बहुत सारे मैसेज आ गए तो इनबॉक्स फुल हो जाता था। इसका मतलब है कि वो स्पेस लेता था तभी तो वो फुल हो गया। तो सोचिए वो छोटा सा 160 वर्ड का वो टेक्स्ट भी अगर स्पेस ले रहा है तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, फोटोज, टेक्स्ट, वीडियो, जिसे आप पर डे एक्सेस करते हैं। एक एवरेज के हिसाब से जो एवरेज जो एक पर्सन है वो मिनिमम 6 पॉइंट समथिंग आवर वो टाइम स्पेंड करता है इंटरनेट पे। आप 6 घंटे लगभग एवरेजली बहुत कुछ सर्च करते हैं, तो सारा डाटा कहाँ होगा, कहीं तो होगा वो, कहीं आपने सोचा इसके बारे में कभी कि वो डाटा कहाँ होगा। तो बेसिकली वो डाटा कहाँ होता है, वो सर्वर में। अभी सर्वर कौन लगाता है, बेसिकली जो कंपनियां है वो लगाती है, जैसे आप गूगल कर रहे हैं तो गूगल ने अपना सर्वर लगाया हुआ है, यूट्यूब के पास अपना सर्वर है, फेसबुक के पास अपना सर्वर है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी के पास अपना अपना सर्वर है। अब ये सर्वर क्या है, आपस में इनमें एक्सेस करने की परमिशन है, इन्होंने ओपन किया हुआ परमिशन, ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर पाते हैं। अब वो सर्वर अगर बंद हो जाएगा, मान लीजिए यूट्यूब ने अपना सर्वर बंद कर दिया, तो क्या आप वीडियो सर्च कर पाएंगे, क्योंकि सारा डाटा तो वहाँ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कमांड देते हैं और हमें वो डाटा मिल जाता है, क्योंकि सर्वर ऑन होता है। हम किससे कनेक्ट होते हैं, सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और ये जो कनेक्ट करने का काम जो करता है वो क्या करता है, वो इंटरनेट करता है, ठीक है। और ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, एक साइबर स्पेस में। अब आपके कंप्यूटर और सर्वर में कम्युनिकेशन हुआ, डाटा ट्रांसफर हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ तक गई, वहाँ की इंफॉर्मेशन आप तक गई, आप तक आई। अब वो सारी चीज़ें जो इतनी एक्टिविटी हो रही है, हो कहाँ रही है, ये सारी वर्चुअल तो हो रही है, तो बेसिकली ये साइबर स्पेस है। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली सर्वर क्या है, सर्वर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की। अब इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की बात करें तो द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इज ए टर्म दैट इज समथिंग यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटरनेट। बेसिकली क्या किया जाता है, ये एक तरीके से मतलब इंटरनेट को ही डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। अभी इंटरनेट था, अब उसको इंटरनेट सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जा रहा है,
तो इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली क्यों कहा गया इसको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कैन बी डिफाइन एज एन इंफॉर्मेशन, आप इसको देखें थोड़ा सा, एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क विच डिलीवर्स ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एंड डाटा टू हाउस होल्डर्स एंड बिजनेसेस। अब क्या कह रहा है ये, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो नेटवर्क है वो क्या कर रहा है, जितनी भी तरह के डाटा होते हैं ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वो सारे डाटा क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर डिलीवर कर रहा है हाउस होल्ड यानी और बिजनेस, यानी कि आप तक जो ड्राइव आप तक वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन जो डिलीवर करने का जो काम है वो इंटरनेट कर रहा है और उसी को मतलब इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी डिफाइन किया जाता है। ये जो टर्म है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बेसिकली, अब इसको मैं और इजी वर्ड में समझाता हूँ। हाईवे आप समझते हैं क्या है, क्या काम होता है हाईवे का, अगर आप इसको देखें तो हाईवे बेसिकली क्या है, नॉर्मल भाषा में आप क्या कहते हैं, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है, इसी तो वो सड़कें भी जोड़ती हैं। हाईवे और सड़क में कोई फर्क तो नहीं है, फर्क है एक, आपके गली की आपके मोहल्ले की आपके कॉलोनी की या कहीं की भी सड़क जो है वो वन वे हो सकता है, वन वे हो सकता है कि बस यहाँ से आप जा सकते हैं वापस नहीं आप आ सकते क्योंकि वन वे है, लेकिन हाईवे हमेशा टू वे होता है, जाने का भी होता है और आने का भी होता है। अब इंटरनेट भी वही करता है बेसिकली क्या है, इट इज यूजुअली अज्यूम दैट द नेटवर्क विल अलाउ फॉर टू वे कम्युनिकेशन। बेसिकली ये माना जाता है कि जो नेटवर्क है वो टू वे कम्युनिकेशन को परमिशन देता है। अब ये जो टू वे कम्युनिकेशन किस किस तरह के सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो अब देखिए इसमें तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक है वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। अब वन टू वन है मतलब एक इधर है और एक इधर है, इनके बीच कम्युनिकेशन। वन टू वन का मतलब ये मत समझिएगा कि वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन नहीं, वन टू वन का मतलब है ए वन पर्सन इधर है वन पर्सन इधर है, दो लोगों के बीच, जिसे आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कैसे होता है कि आप देखिए, अगर टेलीफोन को एग्जांपल ले लीजिए, एक पर्सन इधर है एक पर्सन इधर है, ये कुछ बोलेगा वहां पहुंचेगा, वो कुछ बोलेगा यहां पहुंचेगा, बस फर्क ये होता है कि कम्युनिकेशन के टाइम में सिर्फ वन प्रोसेस ही फॉलो होते हैं, जब ये बोल रहा होगा तो इसको चुप रहना होगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये कॉमन नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड फैक्स। सेकंड चीज है वन टू मैनी, मतलब एक ने इंफॉर्मेशन दी और बहुत लोगों तक पहुंचा, जैसे कि मैं अभी आपको लाइव बोल रहा हूँ, मैं लाइव आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ आप इस, और ये कई लोगों तक पहुंचेगा। वन कौन हो गया, वन हो गया मैं, मी एंड मैनी, आप सभी जो इस वीडियो को देखेंगे, बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग इंटरेक्टिव टीवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे वन टू मैनी के एग्जाम्पल्स हैं। और मैनी टू मैनी मतलब बहुत सारे लोग भेज सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है, जैसे बुलेटिन बोर्ड्स और जो ग्रुप्स वगैरह या फॉर्म्स वगैरह होते हैं, फॉरम्स वगैरह होते हैं इंटरनेट पे, वो बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है कि एक ऑनलाइन बोर्ड होता है, जैसे आपका ब्लैक नोटिस बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन बोर्ड होगा, वहाँ पे क्या है, आप भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी देख सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। बेसिकली ऑफिस वगैरह में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है, नोटिस बोर्ड की जगह आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना है तो यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ में आ गया आपका क्या है, क्लियर आ गया होगा कि फर्स्ट वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। वन टू वन में जब दो लोगों के बीच हो, एक भेजे दूसरे को पहुंचे, वन साइड भी एक हो उधर, दूसरे सेकंड साइड भी उधर हो। वन टू मैनी मतलब इधर भेजने वाला एक वन साइडर हो और रिसीव करने वाले बहुत सारे हो, और मैनी टू मैनी बहुत सारे सेंडर हो बहुत सारे रिसीवर हो, आप इसको कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में समझें। अब हम बात करें अगर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के थोड़े से इतिहास की बात करें इसकी,
तो बेसिकली ये 1960 के दौरान जो उसका मिड का टाइम था, उस दौरान यूनाइटेड स्टेट के अंदर मिलिट्री कंप्यूटर को लिंक करने की कोशिश की गई, यही इसकी पहली शुरुआत थी बेसिकली। बाद में कई सारी कंपनियां प्रोडिगी, डेल्फी, जेनी, अमेरिका ऑनलाइन, कॉम्पुसर्व, ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इनके लिए ओपन जब कर दिया गया, जब प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके लिए जब ये नेटवर्क ओपन कर दिया गया, तो उसका कमर्शलाइजेशन हो गया। और सही मायने में जो इसको स्पीड मिली, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, वो हो गया जब टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट किया। जब टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब कब स्टार्ट किया, 1989 में, 1989 में जब टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट किया, और जस्ट उसके कुछ सालों बाद 1993 में वेब ब्राउजर्स डेवलप हुए। तो उसके बाद ग्राफिक यूजर इंटरफेस वगैरह स्टार्ट हो गया। ग्राफिक यूजर फेस स्टार्ट होने से कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, सर्च करना इजी हो गया, और ऑनलाइन, इसके बाद से ही ऑनलाइन का जमाना बढ़ा है। तो आज के टाइम में आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप वेब ब्राउजर पे जाते हैं, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सारे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं। आप क्या करते हैं, वेब ब्राउजर पे जाते हैं, देन आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तब आप वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। तो आपको समझ में आया बेसिकली, इसको मैं अभी इंटरनेट के जब इतिहास बताऊंगा, इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बताऊंगा, तब मैं आपको पता चलेगा कि, और भी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि 1960 से लगभग 50 सालों में, लगभग 50-60 सालों में किस तरीके से इसमें चेंजिंग आई है, और आज हम जो इंटरनेट है हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के पास, और इस तरीके से पहुंच गया कि आज आप पढ़ाई भी इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है, ये जो टर्म है, इसको क्वाइन करने का, जो इसको खोजने का जो क्लेम किया है, इसको जो बोलते हैं वो नेम जून पिक है। उन्होंने 12th सेंचुरी में, साउथ कोरियन बॉर्न अमेरिकन एक वीडियो आर्टिस्ट है, उन्होंने क्लेम किया है कि जो टर्म है उन्होंने 1974 में इस टर्म को ईजाद किया, ढूंढा है, यूज़ किया है, लेकिन बेसिकली ये पॉपुलर नहीं हो पाया तब तक। उसके बाद ये पॉपुलर तब माना जाता है जब यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है अल जॉर्ज, उन्होंने 1990s के दशक में इस टर्म को यूज़ किया था। नेशनल डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, उसके बाद से ही ये पॉपुलर हुआ, और फिर इसको, इस टर्म को लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। बेसिकली इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो है वो कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, जब इंटरनेट और उससे रिलेटेड जो लार्ज स्केल पे कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं, उसके लिए बेसिकली ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह के कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं इसका जवाब जल्दी ही, जैसे मुझे मौका मिलेगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।